ग्रीन जोन वाले छतरपुर जिले को मिली कई रियायतों से लोगों को काफ़ी राहत मिल गई है, जिससे सड़कों पर रोज की तुलना में कई गुना चहल पहल रही। अंग्रेजी शराब के ठेके लॉकडाउन से बाहर आए, वैसे ही यहां शराब के शौकीनों की कतारें लग गई। छतरपुर में 37 दिन बाद कई दिनों से बंद देसी और अंग्रेजी शराब की सभी दुकानों के शटर खुल गए। इस उम्मीद में सुबह से ही शराब के इंतजार में बैठे मदरा प्रेमियों में सक्रियता बढ़ गई। ठेकों के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ये बात सुखद रही कि इस दौरान किसी ने भी ना तो हंगामा किया और ना ही पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कतार में बड़े आराम से खड़े लोगों ने एक के बाद एक अपनी बारी का इंतजार करके मनपसंद ब्रांड की मदिरा खरीदी और चले गए। सड़क पर बनाए गए सोशल डिस्टेंसिंग को निर्धारित करने वाले गोलों के भीतर शराबियों ने अपनी बारी का इंतजार किया और 25% अधिक दाम देकर शराब खरीदी। लोगों ने ठेका संचालकों पर मनमानी करने व बढ़े दामों में शराब बेचने के आरोप भी लगाए। मदिरा प्रेमियों ने बताया कि शराब के अलग अलग ब्रांडों के दामों को लेकर विधिवत आदेश के बावजूद भी रेट सूची चस्पा नहीं की गई थी। दोगुना दामों में शराब और बियर का विक्रय किया गया है। आज शराब ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर हमने बैठक उनकी ली थी। दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी और हम लोगों ने उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की है और इसके बाद एक सहमति बनी है छतरपुर में शराब ठेकेदारों में कि शराब दुकानें खोली जाएं और उसके बाद शराब दुकानें खुल गई हैं छतरपुर में। किस तरह की सर चर्चा हुई, क्या उनकी मांगें थी? शराब ठेकेदारों का ये कहना है कि वर्तमान में जो भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें उनकी सेल घट रही है और ऐसी परिस्थितियों में वो अपनी लाइसेंस फीस जमा करने में असमर्थ हैं, तो इसको देखते हुए वो शासन से कुछ छूट चाह रहे हैं लाइसेंस फीस में या कोई और सहयोग चाह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात हमसे की है और अपना आवेदन भी हमको दिया है, तो हमने कहा है उनको कि हम उनकी बात जो है शासन तक पहुंचाएंगे, उनकी बात रख दी जाएगी। इसके बाद वो लोग इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो शराब दुकानें खोल के छतरपुर में शुरू करें। समय क्या रहेगा सर, क्या समय? शराब दुकान का समय 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। सर, उन्होंने समय बढ़ाने की मांग भी की थी सर? हाँ, शराब ठेकेदारों ने समय बढ़ाने की मांग की है। मेरी इस मामले पर श्रीमान कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है। कलेक्टर साहब का ये कहना है कि चूंकि जो आपदा प्रबंधन समिति है उसकी बैठक में ये समय डिसाइड हुआ है सभी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, तो आपदा प्रबंधन समिति के जो रिकमेंडेशन है उसी के अनुसार अपन ने टाइम दिया है। सर एक बात और सर, ये एक पर आदमी को कितना शराब ले जाने की वो छूट रहती है, कितना रख सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि प्रति व्यक्ति जो पजेशन लिमिट है वो विस्की की 4 बॉटल और बियर की 12 बॉटल है। 4 बॉटल विस्की और बियर की 12 बॉटल जो है कोई भी व्यक्ति अपने पजेशन में रख सकता है और उसको लेकर वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये मध्य प्रदेश के लिए ये पजेशन लिमिट है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।